साकियों में एक साकी आती है दानदाताओं की साकी। उस दानदाताओं की साकी में सबसे पहली लाइन है कि जड़ जीवन ऋषि तापियो कठियारे करदार, बलि राजा चकवे हुयो दान तने उपकार मारा। प्राणियां दुनिया में दातार बार, दुनिया में कौन बड़ा है? देने वाला बड़ा है, लेने वाला कभी बड़ा नहीं होता। दुनिया में दातार का कद और दातार का पद सदैव बड़ा होता है। लेकिन यहाँ उदाहरण दिया कि जड़ जीवन ऋषि तापियो कठियार एकरधार, बलि राजा चकवे हुयो दान तने उपकार। दान के उपकार से राजा बलि बन गए। जिस राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ कराए, 100 यज्ञ कराए, इसका मतलब तो बहुत बड़ा राजा था। और दान के उपकार से अब आप विचार करोगे कि बलि जैसा इतना बड़ा राजा हुआ है तो कोई करोड़ों अरबों का दान दिया होगा? नहीं, करोड़ों अरबों का दान नहीं दिया, केवल दो रोटी दान दिए। केवल दो रोटी के दान से कोई राजा बन सकता है? या आप विश्वास यकीन नहीं करेंगे? राजा बलि पूर्व जन्म में कठियारा था, और बहुत संक्षेप में बात पूरी करूंगा। कठियारा था और हरे पेड़ काटने का काम करता था, लकड़ा। एक दिन गांव में सत्संग हुई, पूज्य महाराज जी की तरह संत आए और उन्होंने सबको संकल्प दिलाया। कोई नशा कर रहा था उसे नशा छुड़ाया, कोई मेला कुचेला रहता था उसे कहा कि भाई रोज स्नान किया कर, कपड़े धोकर पहना कर, जिसमें जो दुर्गुण थे उनका दुर्गुण छुड़ाया, संकल्प दिलाया। आखिर में लकड़हारे का नंबर आया, उससे पूछा कि भाई क्या काम करता है? उसने कहा महाराज लकड़ी काटता हूँ। हरी लकड़ी काटता है? सूखी। बोले हरी लकड़ी काटता। अरे मूर्ख, हरी पेड़ काटना तो पाप। तो बोले महाराज बुभुक्षम किम न करोति पापम, भूखा आदमी क्या नहीं करता? आप मुझे कोई और रोजगार बता दो, ये काम छोड़ दूंगा। बोले रोजगार ये है कि तू सूखे पेड़ काटा कर, सूखे पेड़ काट के घर लाएगा तो तेरा बोझ भी कम होगा, तुझे सुखाना नहीं पड़ेगा, तुरंत बेच देना और तुरंत तेरे लिए धन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है महाराज, ध्यान रखूंगा। संकल्प लिया, घर आया, घर से एक लोटा पानी दो रोटी लेकर के जंगल में सुदूर चला गया, क्योंकि आस पास तो कहीं पे लकड़ी थी नहीं सूखी। सुदूर जंगल में गया तो वहां पे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ ऐसे बाहों में भी ना आए इतना चौड़ा। कठियारा बड़ा खुश हुआ कि इतना बड़ा पेड़ मिल गया, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। 12 महीने तक काट काट के ले जाऊंगा, मेरा गुजारा हो जाएगा। पानी का लोटा रख दिया, रोटी रख दी और कुल्हाड़ी उठाई और जोर से पेड़ पे प्रहार किया। सोचा पहले बारी बना लेता हूँ, उसके बाद में भोजन करूंगा, थोड़ा विश्राम करूंगा, फिर घर चला जाऊंगा। कुल्हाड़ी चलाते ही आवाज आई, नहीं। कठियारे ने इधर उधर देखा कि दिख कोई नहीं रहा, आवाज आ रही है कहां से आई? सोचा कि वैसे ही आवाज आ गई होगी कुल्हाड़ी की। दोबारा और प्रहार किया कुल्हाड़ी का, फिर आवाज आई कि नहीं। चारों ओर देखा, कोई नहीं दिखा। तीसरी बार और प्रहार किया, लकड़ी टूट करके दूर गिर गई। पेड़ के बीच में एक ऋषि समाधिस्थ बैठे हैं, उनका नाम है जड़ जीवन ऋषि। केवल जल के ऊपर ही जीवन जी करके समाधि लगाए बैठे हैं, उनका नाम है जल जीवन। जैसे ही समाधि टूटी, समाधि टूटते ही जगत से संबंध हो गया, जगत से संबंध होते ही भूख लग गई। बंधुओं, बच्चा पेट में 9 महीने तक रहता है, रोता नहीं है कि मुझे दूध चाहिए, मुझे पानी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है, कुछ ही सेकंड के बाद बच्चा रोने लगता है। क्या रोता है? कि भूख लग गई, कुछ लाओ। उसे जन्म गुंटी देनी पड़ती है, दूध पिलाना पड़ता है, तब वो शांत होता, नहीं रोता रहता। संसार की हवा लगते ही भूख लग जाती है। और जैसे ही ऋषि की समाधि टूटी, भूख लगी, अरे कुछ है खाने के लिए या मेरी समाधि तोड़ दी, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। कठियारे ने आग्रह किया, महाराज दो रोटी है, एक रोटी आप खा लो, एक मैं खा लेता हूँ, आधा आधा, थोड़ा थोड़ा कलेवा हो जाएगा। ऋषि बोले नहीं, आप भूख मेरे को लगी हुई है, आप आधी आधी, आधा किसी का ऋषि नहीं लेता। ऋषि ने परीक्षा ली और कठियारे ने कहा चलो महाराज कोई बात नहीं, मैं तो एक दिन भूखा ही रह लूंगा, आप तो भोजन करो। अपने भूख का भोजन किसी दूसरे को देना बहुत बड़ा दान होता है। जिस समय आपको भूख लगी हुई हो कड़ाके की, रोटी सामने और कोई आकर के मांग ले कि भैया रोटी दे दो, और आपने यदि दूसरे को रोटी खिलाई और उसके बाद में जो सुकून मिलता है, शायद आपको 56 भोग खाने के बाद भी नहीं मिलेगा। यदि आप साइंस की लेबोरेटरी में जाके जांच कराओगे तो पेट तो खाली आएगा, लेकिन फिर भी मन ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। ये ऊर्जा मिलती है सत्कर्म करने से। कठियारे ने
दो रोटी खिलाई, एक लोटा जल पिलाया। ऋषि ने कहा कि अब इसको बंद कर दे और चला जा। कई चीजें आपात कटु होती है लेकिन परिणाम बहुत पटु होती है। कई चीजें तुरंत तो अच्छी दिखती है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है। उस समय तो कटियारे को बहुत बुरा लगा। उसने कहा दो रोटी खिला दी, ऊपर से लकड़ी बंद कर दी, कह दिया इस पेड़ को छेड़ना नहीं, अब ले जाऊंगा क्या, घर जाके क्या खाऊंगा, आज भी भूखा हूं और आज लकड़ी नहीं ले जाऊंगा तो कल भी भूखा रहूंगा, हो गया ना कल्याण मेरा तो। लेकिन फिर भी मन में एक सुकून है, पछतावा नहीं किया कि आज मैंने ऋषि को भोजन कराया, कोई बात नहीं महात्मा, समाधि से उठे वापिस समाधि में चले गए, मेरा आज आना सार्थक हो गया, धन्य हो गया। और बंधुओं दान देने के बाद में परमार्थ में यदि आपने एक रुपया, पांच रुपए, एक बोरी अनाज दे दिया, एक तूड़ी, एक गाड़ी तूड़ी दे दी, देने के बाद मन में खुशी होनी चाहिए कि इतना तो मेरा परमार्थ में लग गया। देने के बाद रोना कभी नहीं चाहिए। कई सज्जन होते हैं धन देने के बाद में कई दिन तक कोई आपनो प्रेमी आदमी बूझने लारे मोखाण बैठा, जो धन की मोखाण करे। गौशाला 10 जना आया, ऊपर पड़ रही एक गाड़ी तूड़ी ले गया, अब तूड़ी ई मूंगे भाव की कोई दे दे, अब तो दे चुका है फिर क्यों रो रहा है। फिर रो रो करके जो दान दिया जाता है इसका मतलब आपने हाथ से तो छोड़ दिया है लेकिन हृदय से नहीं छोड़ा। हाथ से छोड़ने के बाद हृदय खुश होना चाहिए। हाथ ने छोड़ दिया और हृदय रो रहा है तो वो दान देना सार्थक नहीं हुआ। बंधु बड़ा खुश हुआ कठियारा कि आज मेरा धन सार्थक हुआ। ऋषि ने आशीष दिया कि अनंत अनंत अनंत। कठियारे की मृत्यु हुई और उसे 8 पहर इंद्र का राज मिला उस दो रोटी के दान के प्रभाव से। और वही कठियारा अगले जन्म में राजा बलि के रूप में संसार में आया। आपने दो रोटी किसी जरूरतमंद को जरूरत के समय पर यदि खिलाई है, उस समय आपकी परिस्थितियां क्या थी, उस समय आपकी अवस्था क्या थी, वो चीज ज्यादा प्रभावी होती है। तो गाय को जिस समय भूख लगी है ना, उस समय आपने भोजन करा दिया, यदि वो समय खराब था तो भी गाय की कृपा से वो समय ठीक हो जाता है। इसलिए नित्य सेवा करो, मुहूर्त मत खोजो कि इस मुहूर्त में, इस तिथि में, इस दिन में जाके दान करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। दान जिस समय जरूरत होती है उस समय किया हुआ अधिक फलदायी होता है। और विशेष करके जब गौ सेवा करें तब गाय के लिए तो नित ही अमावस, नित ही संक्रांत, नित ही नवग्रह वैसे पान। नवग्रह रोज पंक्ति में बैठे कि आज कौन आएगा, कौन गाय की सेवा करके जाएगा, उसके जीवन में कभी किसी ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं रहता है। बंधुओं तो आज की रात्रि हम सब लोग गौशाला में आए हैं, गाय की सेवार्थ आए हैं, तो जितना हो सके, जितना बन पड़े, आप चौमासे के समय में देना चाहें, कुछ घोषणा आज कर जाएं, लेकिन आज की रात आए हैं तो कुछ अपनी अपनी जेब में से, अपने अपने शायद संस्था का अकाउंट नंबर होगा, अब तो व्यवस्था हो गई है, यदि आप जेब में नहीं लाए हैं तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। और बहुत से श्रोता शायद लाइव भी सुन रहे हैं, तो उन लाइव श्रोताओं से भी निवेदन है कि आप गौशाला में गायों की सेवार्थ किसी भी प्रकार की सहयोग राशि या गाय के लिए जो भी गोग्रास है, चाहे खल है, चाहे चूरी है, चाहे तूड़ी है या चारा है, जिस रूप में भी आप सेवा सहयोग देना चाहते हैं, आप सब लोगों का स्वागत रहेगा। आइए हम